ये सारे के सारे दोस्तों अंडे मैंने यहाँ पे इनके रख दिए इंशाल्लाह। ये फीमेल देखें यहाँ पे अंदर जा रही है और ये चली गई, ये देखें वो यार ये अंडों के पास बैठ रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जाके यार आज मौसम कुछ खुला है और मैंने अपने सारे परिंदों को ये देखें आज बाहर निकाला था, वरना ये क्या करते थे उधर ही रहते थे। ये देखें यहाँ पे यार इनकी तूड़ी भी देखें सारी गीली हुई, कितना गंद मचा हुआ है यहाँ पे। तो यहीं पे रहते थे, मैं इसको निकालता नहीं था क्योंकि यार ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। अली भी आपको दिखाएंगे, देखें सूरज कितना ज़बरदस्त किस्म का निकला था और मौसम देखें ज़रा दोस्तों, ये हाय हाय क्या दोस्तों मौसम का व्यू है यहाँ पे चल रहा है। और यार आज बिल्कुल दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों वाला मौसम नहीं होता, जैसे गर्मियों वाला दिन वो बिल्कुल लग रहा था जब मैं स्कूल गया था। स्कूल में आराम से बैठा हुआ यूँ देख रहा था, मैं धूप सेक रहा था और मैं सोच रहा था कि यार गर्मियों का आज बिल्कुल वही जैसा दिन लग रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल बनाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी भाई मुझे कमेंट्स बॉक्स में कह रहे थे कि यार आपके चूज़े का क्या बना। तो दोस्तों चूज़े को मैं आपको बताता चलूँ, मैं नहीं चाहता कि यार ये वाला चूज़ा भी हम ज़ाया कर दें। तो मैंने दोस्तों फिर क्या किया कि इस चूज़े को दोस्तों मैंने ये जो आप केस देख रहे हैं ना ये वाला, इसमें मैंने कपड़ा बिछा के मोटा सा उसके अंदर रखा दोस्तों और मैं इसे नीचे ले गया कमरे के अंदर। वहाँ पे हीटर चल रहा था, काफ़ी हीट थी तो यार वहाँ पे मैंने इसको रखा और माशाल्लाह अगर मैं ना रखता हो सकता कि आज हमारे पास ना होता, क्योंकि यार रात को जितनी ठंड थी ना तो मुझे ही लगना था कि इसने बचना था। इसको मैंने दोस्तों दवाई भी दी है और माशाल्लाह वैसे तो ये फूल के ऐसे ही बैठा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको खोलूँ तो ये चलना फिरना शुरू कर देगा। दुआ कीजिएगा इसके लिए दोस्तों कि जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी इसको मैंने अलहदा केज में रखा हुआ आपके सामने, अगर मैं उनके साथ रखूँगा तो ये ना हो कि बीमारी उसमें चली जाए। अच्छा दोस्तों मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देखें इसकी तो कल यार आवाज़ भी नहीं निकल रही, आज माशाल्लाह आवाज़ भी निकल रही है, ये देखें चल रहा है। अब मैं आपको मुकम्मल ही कह सकता कि बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक भी नहीं है दोस्तों, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। और दोस्तों हमारी दोस्तों असील मुर्गी ने आज भी अंडा दे दिया है और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये दोस्तों कब जाके कुड़क होगी हमारे पास। तकरीबन इसके दोस्तों 8 से 9 अंडे हमारे पास हो चुके हैं और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से कुड़क हो जाए और आपने बताना है कि कब तक ये दोस्तों कुड़क होगी। दोस्तों इस बिल्ली के बच्चे को देखें, उधर से बेचारा उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन छोटा सा बच्चा, ये ना हो कि यार गिर जाए वरना इसका कुछ उम्र बन जाएगा। वो देखें कैसे भाग रहा है, इसकी माँ पता नहीं यार। यहाँ पे ना दोस्तों 3 से 4 बच्चे घूम रहे हैं। हाँ ये देखें एक चूज़ा दोस्तों, ओ सॉरी एक बिल्ली का बच्चा देखें यहाँ भी बैठा हमारे घर के बिल्कुल सामने। ओए ये देखें दोस्तों ये देखें, एक ये इसका भाई, एक वो वहाँ पे देखें क्या हरकतें कर रहा है। और इसी तरह जब मैं यहाँ पे छत पे था दोस्तों रात को शाम को इस टाइम, तो क्या हुआ था एक बच्चा यहाँ से आया बाकी नीचे चला गया। तो एवरी में चल के आपको कुछ अपडेट्स देनी है, इसको भी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो ताकि ये ना हो इसको ठंड लग जाए। ठीक है तो इनका ताला दोस्तों बारिश की वजह से ये देखें जंग लगा हुआ है और ये ताला ही देखें दोस्तों लग नहीं रहा, नहीं लग रहा दोस्तों। तो चलते हैं एवरी में और आपको एवरी में जा के कुछ अपडेट्स देखता हूँ। ठीक है दोस्तों तो चलते हैं, हट जाओ सारे सारे के सारे हट जाओ। कुछ ओ यार अलवी यार आज फिर पानी अंदर आ गया, ये देखें देख रहे हैं आप दोस्तों ये देखें आज फिर पानी अंदर आ गया, ये ना पक्का करना पड़ेगा यहाँ। हाँ ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों ये इसकी वजह से आता है पानी यहाँ पे। ओ यार अंडे ना कलेक्ट कर लें, ये ना हो कि हमारे अंडे ख़राब हो जाए। तो दोस्तों आइवरी में तो आ चुका हूँ और यहाँ पे यार जाके देखते हैं कि क्या इसने दूसरा अंडा दिया है या नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जाके तो दोस्तों बैठते हैं। चले यार आज मैं काफ़ी दिन हो गए मैं उस वाली साइड पे नहीं गया हुआ, मैं सिर्फ इधर आता हूँ इनको दाना डालता हूँ और बस चला जाता हूँ। उधर चलते हैं देखते हैं कि क्या उसने अंडा दिया या नहीं दिया। तो चलें दोस्तों उधर चलते हैं, हट जाओ भाई हट जाओ। ये ले दोस्तों इधर जो आ चुका हूँ, दाना भी इनका है और इनका पानी भी पड़ा हुआ है और इनके नेस्ट में देखते हैं क्या अंडा है या नहीं है। नहीं है दोस्तों, जगह तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई भी इन्होंने ये देखें, लेकिन बड़ी इन्होंने अच्छी तरीके से बनाई है, हो सकता है कि दे दें दोस्तों बहुत जल्द अंडे। तो जगह तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि ये दे देगी अंडे। तो यार इधर इस वाली साइड पे आए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको भी देख लेते हैं, जो नेस्ट देख रहे हैं आप ये देखें दोस्तों, मैं देख लेता हूँ कि इसमें पता नहीं अंडे हैं या नहीं हैं।
बल्कि दोस्तों मैं देखता हूँ ज़रा इसको, ठीक है दोस्तों। कैमरा तो हमारा वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि बड़ी छोटी सी जगह है। मैं हाथ मार के चेक कर लेता हूँ, हाथ लगा के कि क्या अंडे हैं यहाँ पे कि नहीं, अगर हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। नहीं दोस्तों अंडे तो नहीं है, अंडे नहीं है, अंडे दोस्तों नहीं है, एक अंडा भी नहीं है, एक भी अंडा नहीं है दोस्तों। इंशाल्लाह उम्मीद तो है यार कि ये देखें इन्होंने नई रुइयाँ जो होती हैं पर ये इन्होंने रखे हुए यहाँ पे, उम्मीद तो है दोस्तों इंशाल्लाह अंडे दे देगी। और यार इसके भी अंडे देख लेते हैं कि काफ़ी दिन हो गए देखे नहीं, इसके ने कितने अंडे दिए हैं, लास्ट टाइम देखा था पता नहीं कितने थे, मुझे याद नहीं सही तरीके से। अरे यार तीन अंडे तो पड़े हैं और तीन ही हैं शायद, चलें इसको रख देते हैं। अब पता नहीं कब तक इसके जाके बच्चे निकलेंगे, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं क्योंकि ना मैंने इसकी डेट नोट की थी कि कितनी तारीख को इसने अंडा दिया था। चलते हैं दोस्तों इसी वाली साइड पे, और ये देखें दोस्तों बिल्कुल साथ मेरे केज हैं, और इधर से हमने देख लिया मटकी इनके अंडे, ठीक हो गया। और काफ़ी दिन हो गए दोस्तों मैंने आपको भजी इसके बच्चे नहीं दिखाए, काफ़ी भाई सोच रहे होंगे कि यार क्या हो गया इनको, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे बजीज के बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा मैंने आपको दोस्तों पहली जो मैंने इनकी लास्ट वीडियो बनाई थी बजीज की, मैंने आपको कहा था कि ये सारे उसकी तरह के बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये किस तरह का बच्चा बन रहा है और कितना ज़बरदस्त बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये आप कलर देख रहे हैं बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा कि ये उस तोती का बच्चा है, ये देखें आप खुद ही, सॉरी इसे आपको क्या कहते हैं यार, उस कलर का बच्चा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल चेंज मुख्तलिफ बच्चा है, और ये इंशाल्लाह कुछ ही डेज में दोस्तों बाहर आ जाएगा। और इसी तरह के इसी तरह के दूसरे बच्चे तीन भी हैं और देख लेते हैं। तो दूसरा बच्चा दोस्तों ये वाला है, बिल्कुल सेम वैसा है जैसे हमारे जो उस मटकी में से लास्ट टाइम बच्चे निकले थे ना दो, ये देखें जो आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाला बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि यार ये वैसा ही बन रहा है, ये देखें आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या ये वैसा है या नहीं वैसा, ये देखें आप ही चला जाएगा अपने नेस्ट में माशाल्लाह। तो इसको मैं वापस ढक देता हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ये ना हो कि इनको ठंड लग जाए बच्चों को, ठीक है दोस्तों। और यार आज मैं आया हूँ एवरी में, तो हमारी डायमंड अब अंडे दे रही है तो इनके अंडों को संभाल लेते हैं, ये ना हो कि गीले होकर ख़राब हो जाएँ। तो आज यार कलेक्टिंग करते हैं कितने अंडे, लास्ट टाइम जब हमने कलेक्ट किया था दोस्तों तो तकरीबन आठ अंडे थे दोस्तों, आज देखते हैं। ये ले जी यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करती हैं इनके नेस्ट से, वाह इसमें इनके नेस्ट में देखते हैं, इनके नेस्ट में ज़्यादा अंडे होने चाहिए हैं, एक भी अंडा नहीं है यार इनके नेस्ट में तो, चले कोई नहीं। ये दो अंडे इधर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, एक और ये दो, दो हो गए। और ये दोस्तों तीसरा इधर छुपा हुआ है, ये देखें ये रहा, ये तीसरा अंडा हो गया इनका। तो दोस्तों तीन अंडे ये देखें आपके सामने हैं, एक मिनट ज़रा, ये रहे दोस्तों ठीक है तीन अंडे यहाँ पे हैं, और अब देखते हैं कि कितने अंडे हमें और यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीन अंडे तो ये रहे, एक दो और ये तीन, ठीक है। और इधर देखते हैं, पहले इधर से देखना शुरू करते हैं कि कितने अंडे हमें यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तीन तो मिल चुके हैं, और ये रहा एक दोस्तों, ये देखें ये रहा चौथा अंडा हमारे पास आ चुका है, ये चार हो गए। और इसी तरीके से ये रहा दोस्तों एक और अंडा, ये पांच, ठीक है पांच अंडे हो गए दोस्तों। और पांच तो यहाँ पे से मिले हमें, और आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि हमें कितने अंडे मिलते जाते हैं, ठीक है यार। आठ तो मैंने लास्ट टाइम देखे थे, अब तकरीबन ग्यारह बारह अंडे हमें मिलने चाहिए यहाँ पे से, तो देख लेते हैं। ये ना हो के दोस्तों हमें छवा अंडा मिले ही नहीं यार, मिलने चाहिए पांच अंडे, इनको मैं चले इसमें रख देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों हमें अंडे कितने मिलते हैं यहाँ पे से, यार अंडा तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा होगा। हाँ ये रहा दोस्तों छवा अंडा, ये रहा ठीक है, इसको भी रख देते हैं इसमें, छः अंडे हो गए दोस्तों। और ये रहा दोस्तों एक और अंडा माशाल्लाह, ये देखें एक और अंडा मिल गया, ये हो गए दोस्तों हमारे पास सात, और एक अंडा रह गया आठवां, वो भी देख लेते हैं यहाँ कहीं पे उसे होना, ये रहा माशाल्लाह।
ये 8 अंडे तो दोस्तों हमारे हो गए कलेक्ट, जो हमने पहले देखे थे लास्ट टाइम। और अब देख लेते हैं कि हमारे पास कितने अंडे और उसके बाद हमें मिले हैं। ठीक है, तो 9 अंडा भी मिल गया। ये देखें, ज़बरदस्त 9 अंडे हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। और अब देख लेते हैं कि क्या हमें एक अंडा मिला उसके बाद या दूसरा भी कोई मिला। ये देखें, एक अंडा बिल्कुल पाँव के पास पड़ा था, मुझे नज़र ही नहीं आया। ये देखें, ये रहा, ये हो गए दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, 10 अंडे मिल गए। ये देखें यहाँ पे, ये रहे दोस्तों 10 अंडे हमारे पास। और आखिरी चांस हमारा, एक बारी और देख लेते हैं, हो सकता है एक आधा अंडा हमें और मिल जाए यहाँ पे से। क्योंकि यार इसमें इन्होंने छुपाए भी होते हैं, बड़ा मुश्किल से इन्हें ढूंढना पड़ता है यहाँ पे से, इस तरीके से। और देख लेते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अंडा मिल जाएगा दोस्तों हमें एक बटेर का। बस दोस्तों यही अंडे थे मुझे लग रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ। चले अच्छी बात है, इतने अंडे तो चले हमें मिल गए। और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये अपना काम करते रहेंगे, हमें अंडे देते रहेंगे। और बाकी सारे के सारे अंडे इनके इनके नेस्ट में डाल देते हैं, ये ना हो कि यार ये ख़राब हो जाए। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह ये सारे अंडे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इनके, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 4 अंडे हो गए दोस्तों, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, और ये दोस्तों 9, और ये पूरे के पूरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 10 के 10 अंडे कुल्स के हमारे पास आ चुके हैं। इनको चले मैं नेस्ट में इनके रख देता हूँ। ये देखें इनके 10 के 10 अंडे, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये रे, ये सारे के सारे दोस्तों अंडे मैंने यहाँ पे इनके रख दिए इंशाल्लाह। ये फीमेल देखें यहाँ पे अंदर जा रही है, और ये चली गई। ये देखें, वो यार ये अंडों के पास बैठ रही है के लिए। अरे वाह, अंडों को देख के सिर्फ बाहर आ गई, कैसे ये हैं, अंडों के ऊपर बैठती नहीं। अगर अंडों के ऊपर बैठते दोस्तों हमारा काम आसान हो जाना था, सारे के सारे अंडों में से इंशाल्लाह फिर बच्चे निकल जाते। तो ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा चले आज आपको अंडों की अंडे कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने अंडे हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। और ये बाकी सारों की मैंने अपडेट दे दी आपको, इसने भी नहीं अंडा दिया, ना अभी फिंच ने अंडा दिया दोस्तों। और उसके माशाल्लाह 3 अंडे हैं बजी उसके, और बच्चे भी आपको मैंने इनके दिखा दिए। तो ये थी दोस्तों आज की मज़ेदार सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।